हेलो गाइस, तो आज 26th of January 2023 है। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे, मुंशी और सरदार का ज्वाइनिंग नहीं होगा, सिर्फ लेबर का ही ज्वाइनिंग होगा, देख ही चुके होंगे। तो इसी के बारे में बात करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी को मेरे और एक नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMJSS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलती रहे। और आप लोगों का कोई भी सवाल हो, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये अपडेट्स क्या है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बोला था कि मतलब पहले वीडियो में कई बार बोला है कि कुछ लिस्ट के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों का डेटा सबमिट नहीं हो रहा है। मैंने 2-3 वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए आप लोग जितने भी अभी सरदार मुंशी हैं, तो उन सब का डेटा मतलब जमा हो चुका है, उन सब का डेटा ऑलरेडी जमा हो चुका है। जो पहले आप लोगों का बन चुका था, वही डेटा पहले ऐसे ही जमा हो चुका था। फिर मतलब ऊपर से बताया गया है कि आप लोगों को मतलब 14 लोगों के लिस्ट में डिवाइड करने के लिए, इसीलिए फिर से आप लोगों का डेटा वापस किया गया, ताकि आप लोगों को 14 लोगों के लिस्ट में डिवाइड कर सके, ताकि एक लिस्ट में एक सरदार, एक मुंशी, 2 अंसिलाड़ी और 10 लेबर हो सके। तो उसमें सब में मतलब आपका मुंशी सरदार फिट बैठ गया, लेकिन आप लोगों का लेबर कम पड़ गया था, इसीलिए आप लोगों का लिस्ट मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, आप लोगों का लिस्ट मतलब ख़त्म नहीं हो रहा था, इसीलिए फिर से मतलब आप लोगों का जो भी लीडर लोग है काम पे लग गया था लेबर ढूंढने में, इसीलिए आप लोगों का लिस्ट अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने थंबनेल पे दिया हुआ था कि सरदार मुंशी का ज्वाइनिंग नहीं होगा, उसका मतलब यही था कि जितने भी सरदार मुंशी है उन सबको नहीं, मतलब कुछ लोगों को क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मतलब लेबर पे लाया जाएगा, क्योंकि अभी लेबर का कमी चल रहा है लिस्ट में, इसलिए लेबर पे लाया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों का लिस्ट तैयार होगा और उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा। तो देखते हैं किस किस का आप लोगों का चेंज होता है। तो अगर आप लोगों को पता करना है कि आप लोगों का आईडी में, क्यूआर कार्ड में आप लोगों का डेजिग्नेशन चेंज हो गया, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे लॉगिन करके आप लोगों का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का डेजिग्नेशन क्या सरदार पे जो था वही पे है, या आप लोगों का लेबर पे हो गया, उसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। अगर आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन ठीक है, आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन मतलब ग्रेजुएट लेवल तक है या 12th पास लेवल तक है, और आप लोगों का परसेंटेज वगैरह सब कुछ ठीक है, परसेंटेज मैटर नहीं करता, आप लोगों का क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों का डिग्री तक है या 12th पास तक है, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का चेंजेस नहीं होगा। फिर भी नहीं बोल सकते हैं, जो भी मतलब आप लोगों का लीडर लोग काम कर रहे हैं, उन लोग तो सिर्फ आप लोगों का डेटा जमा कर देंगे, जितने भी आप लोगों का लेबर चाहिए, सरदार चाहिए, मुंशी चाहिए, सबका लिस्ट बना के उन लोग जमा कर देंगे। उसके बाद जो जोनल लीडर होता है वही डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ पर रखना है, किसको लेबर पर रखना है और किसको सरदार, किसको मुंशी पर रखना है, वहीं पर लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का काम जरूर हो जाएगा। तो बस ये लिस्ट एक बार ख़त्म हो जाए तो आप लोगों का ज्वाइनिंग भी प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। बस यही अपडेट्स देना था आप लोगों को। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो, अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMJSS से रिलेटेड ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।